नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 4 जनवरी को राज्यसभा में श्री डी कुपेंद्र रेड्डी द्वारा सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा गया, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन में असंगतियों के मुद्दे को सुलझा लिया गया है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं, और ऐसे मामलों शिकायतों जिन्हें अभी सुलझाया जाना है कि उनकी संख्या क्या है, और क्या 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन में आई असंगतियों को भी सरकार के विचाराधीन हैं, क्या सरकार ने इन असंगतियों को सुलझाने के लिए उन्हें वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है, और हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इन असंगतियों को कब तक सुलझा लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उत्तर में क्या जवाब मिला। देखिए दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से होने वाली असंगतियों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय असंगति समिति का गठन किया गया था, जिसमें सरकारी पक्ष से 8 सदस्य और कर्मचारी पक्ष से 12 सदस्य शामिल थे। राष्ट्रीय असंगति समिति की 5 बैठकें हुई, जिसमें उठाई गई कुल 59 असंगतियों में से 55 असंगतियों को सुलझा लिया गया था, शेष 4 असंगतियों के संबंध में अंतिम निर्णय लंबित है। शामिल कर एक राष्ट्रीय असंगति समिति का गठन किया गया है। कर्मचारी पद से 18 मदों वाली कार्यसूची विचार करने के लिए प्राप्त हुई है। समिति की पहली बैठक बुलाने के लिए जाँच की जा रही है, और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से होने वाली असंगतियों पर विचार करने के लिए सरकारी पक्ष से 9 सदस्य और कर्मचारी पक्ष से 13 सदस्यों को। तो दोस्तों, ये था 4 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो दोस्तों ये था 4 जनवरी को राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया जवाब। इसका मतलब ये है कि अभी 7वें वेतन आयोग की पे और भत्तों से जुड़ी हुई जो विसंगतियां हैं उनके निर्धारण के लिए अभी समिति बैठी हुई है जो जांच कर रही है। वो जांच आने के बाद क्लियर होगा कि उन असंगतियों में से किस किस मुद्दे पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला हुआ। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा 4 जनवरी को जो जवाब दिया गया, उससे ये साफ जाहिर है कि अभी 18 जो असंगतियां हैं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर, उनका फैसला होना अभी बाकी है, जिसमें मुख्यतः न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, HRA इत्यादि मुद्दे सम्मिलित हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर का जो मुद्दा है अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।